वैश, as in वैशाली, Gen Z, YOLO types. लोगों को मुझसे बहुत प्रॉब्लम है. कहते हैं मुझे छींक भी आती है तो भी मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ. सो वॉट, हूँ मैं इंस्टाग्रामर. हर फोटो को डालने से कितनी मेहनत करनी पड़ती है. पहले चेहरा चमकाओ, स्कार्स हटाओ, फिल्टर लगाओ, फिर अपलोड करो. यू नो व्हाई? क्योंकि मेरी रील वाली स्किन और मेरी रियल वाली स्किन में उतना ही डिफरेंस है जितना कि मेरे रिच बॉयफ्रेंड राहुल के पापा की वेल्थ और उसकी IQ में. हेलो एवरीबॉडी, रॉकी रंधावा दिस साइड. बहुत मेहनत करके बॉडी बनाई है और जहां भी लोग नेक टी शर्ट पहन के जाता हूँ सारी रानियां फुल चेकआउट मारती हैं, बिकॉज दिस इज ऑल नेचुरल, नो स्टेरॉइड. लेकिन इस बॉडी को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए जो हर थोड़े दिन में चेस्ट वैक्सिंग का पेन झेलना पड़ता है, तब पता चलता है मर्द को भी दर्द होता है और बहुत दर्द होता है. कोई प्लीज मुझे ये 15 दिन की वैक्सिंग के झंझट से बचाओ यार. वाओ, और आने वाला है. हेलो जी, आई एम परमिंदर पावर फ्रॉम रजौरी. जिंदगी ने मेरे साथ बड़ा मजाक किया. देखते ही देखते गालों पे झाइयां, माथे पे झुर्रियां, बाल सारे झड़ गए, स्किन टोन सारी डाल हो गई और मैं प्री चिक पैम से बन गई हूँ परमिंदर आंटी. कितनी अपनी पुरानी यूथफुल स्किन को पाने के लिए उम्मीद और पैसे दोनों डुबा चुकी हूँ और थक चुकी हूँ. शख्स, वैश, रॉकी और परमिंदर की कहानी ऐसे करोड़ों लोगों पे बेस्ड है जो अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं क्योंकि उन्हें कोई स्किन या बॉडी इश्यूज हैं. मैं खुद उनमें से एक हूँ. IIM बैंगलोर में पढ़ते हुए और एक नेशनल लेवल पिस्टल शूटर होते हुए भी मुझे आइडेंटिटी क्राइसिस थे क्योंकि मेरे स्किन पे एक्ने थे. फिर मुझे किसी ने लेजर ट्रीटमेंट सजेस्ट किए जिससे मेरी लाइफ चेंज हो गई. मेरे सारे एक्ने चले गए लेकिन मेरे बहुत सारे पैसे भी ले गए क्योंकि स्किन क्लिनिक्स में ये ट्रीटमेंट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. ना प्राइसेस स्टैंडर्डाइज्ड है ना ही प्रोसेस और बार बार लोगों को क्लिनिक में सेशंस लेने जाना पड़ता है. शार्क्स, आजकल सबको सब कुछ घर पे चाहिए तो ये लेजर स्किन ट्रीटमेंट्स क्यों नहीं. इसलिए मैंने शुरू किया एवतार स्किन केयर. मेरा नाम सौम्या मिश्रा है और मैं भोपाल से हूँ. एवतार स्किन केयर दुनिया का एक लौता ऐसा ऐप है जिसमें हम वर्ल्ड क्लास लेजर ट्रीटमेंट्स आपके घर पे प्रोवाइड करते हैं. हम बहुत सारी स्किन कंडीशंस जैसे एक्ने, पिगमेंटेशन, एंटी एजिंग, अनवांटेड हेयर, हेयर फॉल, वेट रिडक्शन के लिए ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं. हमारे सारे इक्विपमेंट USFDA अप्रूव्ड हैं और 100% सेफ हैं. सारे ट्रीटमेंट्स डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा डिजाइन किए गए हैं एंड हमारे वेल ट्रेन टेक्नीशियंस आपके घर पे आके इनको प्रोवाइड करते हैं. हमारी स्पेशली डिजाइंड कॉकटेल टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट ये इंश्योर करते हैं कि किसी भी क्लिनिक से फास्टर रिजल्ट्स मिले हमारे क्लाइंट को और हमारे प्राइसेस 20-30% लोअर हैं. हमने दिल्ली और बॉम्बे में अभी तक 7,000 कस्टमर्स को सर्विस दे चुके हैं. शार्क्स, हमारी आस्क है ₹70 लाख फॉर 1% एक्विटी. आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे फंडिंग दें और टारगेट पे निशाना मैं लगाई दूं. अमेजिंग एनर्जी, थैंक यू. ऐसे ही होते हो आप हमेशा या आज? नहीं, I can act very professional also in business things. क्योंकि आप थिएटर करते थे? मैं थोड़ा बहुत स्टैंड अप करती थी कॉलेज में, ऐसी कॉमेडी करती थी. थोड़ा अपने बारे में बताओ बिफोर वी गेट टू अवतार. पिस्टल शूटिंग एक्चुअली. हां, भोपाल में बड़ी पली बड़ी हुई हूं मैं. आई वेंट टू NIT भोपाल, वहां से इंजीनियरिंग किया. साथ ही साथ मेरे दादाजी पुलिस में थे तो घर में बंदूक पड़ी थी, उससे शौक आ गया. फिर भोपाल में बहुत बड़ी एकेडमी खुल गई तो वहां पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया. 2 साल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल में ही काम किया एंड देन पूरी दुनिया कैट लिख रही थी तो मैंने भी लिख दी. सो आई लैंडेड इन IIM बैंगलोर. देन आई गॉट अ वेरी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी विद हाइड्रिक एंड स्ट्रगल्स, विच इज एन एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म. उन लोग इंडिया में अपना कंसल्टिंग बिजनेस सेटअप करना चाहते थे सो आई वॉज हायर टू लीड दैट. तो वो 1.5 साल काम किया उधर, $1.5 million का बिजनेस बन गया वो. तब बहुत कॉन्फिडेंस आया कि आई कैन ऑल्सो डू समथिंग ऑफ माई ओन. देन आई गॉट इन टू एवतार. सो मेरे एक डिस्टेंट कजिन ये लेजर के ट्रेडर हैं तो सस्ते सस्ते डिवाइसेज अनसर्टिफाइड इंपोर्ट करते हैं, डॉक्टर्स को बेचते हैं. सो हिज बिजनेस देन वॉज ग्रोइंग एट 20-25% एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट वॉज ऑल ऑफ दिस ग्रोथ वॉज कमिंग फ्रॉम सिटीज लाइक झांसी, ग्वालियर, काकीनाड़ा, सिलीगुड़ी. सो तब सबसे पहले लाइट जली थी कि देयर इज अ मार्केट व्हिच इज ऑलरेडी डेवलपिंग एंड व्होएवर इज ट्रेन्ड ऑन द डिवाइस कैन ऑपरेट इट. एस्थेटिशियन जिसको बोलते हैं. करेक्ट. सो ऑल द एलिमेंट्स इन दिस इंडस्ट्री वर सीमिंग टू बी जस्ट राइट. दैट्स नंबर 1. एंड सेकंड इज
I could see how much people were spending. So, मैंने एक और चीज की. In late 2021, I took up a job as an accountant at a clinic. I just wanted to get a sense of ये होते कौन है clients. मैंने देखा है कि करोल बाग की इतनी सारी आंटियां जो शायद एक sentence भी शायद English में ढंग से नहीं बोल पाएंगी, वो बोटॉक्स कराने आती थी, फिर उनका एक रिंकल छूट गया तो वापस आ जाती थी दूसरे दिन की, इसको क्यों नहीं कवर किया. पर आप अपने क्लाइंट का मतलब ऐसा थोड़ा ऐसा लग रहा है आप उनका मजाक उड़ा रही हूँ, उनको जज कर रही हूँ. नहीं, क्लाइंट का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ मैं. मतलब करोल बाग वाली है, उनको एक बोटॉक्स, वो तो आपके कस्टमर है, तो यू टू बी. नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रही, क्योंकि आप ये अज्यूम करते हो कि अगर के ओनली सर्टेन सेक्शन जाएगा, एक सेक्शन जो बड़ा यूएस के यू नो कल्चर से अवेयर है, उन्हीं को अवेयरनेस होगी, बट ऐसा नहीं है. ये अवतार नाम क्यों रखा? एक तो ये हम ऐसा वर्ड ढूंढ रहे थे जो सबसे रिलेट करे, तो मैं भोपाल में बोलती हूँ कि मैं अवतार स्किन केयर हूँ, उनको भी समझ में आता है. मैं मार्कस, जो मेरे हाइड्रिक के बॉस हैं, मार्कस, आई हैव अ स्टार्टअप कॉल्ड अवतार स्किन केयर. सो सबको चमकता है. दूसरा है, आई थिंक वो हमारे एसेंस को बहुत अच्छे से दिखाता है. दैट्स व्हाट वी डू, वी गिव पीपल द अवतार दैट दे वांट और दैट दे डिजायर. ये बेसिकली जो ट्रीटमेंट होती है, सेम चीज जैसे अर्बन क्लब सैलून एट होम है, यू गाइस आर स्किन केयर एट होम. दैट्स इट. सर हमको कंपेयर मत करिए सर. यू नो द कंपनी हुज नेम यू टुक, द वैल्यू प्रोपोजिशन इज convenience. Our value proposition is best results. By the way, हम affordable भी हैं और घर पे भी आ सकते हैं. चलो दूसरी कंपनी का नाम ले देता हूँ, काया एट होम. नो, क्योंकि काया और हमारे रिजल्ट्स में बहुत डिफरेंस है, स्टैंडर्डाइजेशन में बहुत डिफरेंस है. One second. ये सब बेस्ट आप एक्सप्लेन कर पाएंगी अगर आप आपके प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं. आई थिंक अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट तो समझ में आएगा, बट बिजनेस मॉडल स्पेसिफिकली क्या है. तो सर्विसेज हमारे चार मेन कैटेगरीज हैं, बताइए. एक है लेजर फेशियल, एक्ने, पिगमेंटेशन, टैनिंग, अनइवन स्किन टोन, ग्लो चाहिए. प्राइस 3000 से 5000 तक जाता है. सेकंड है परमानेंट हेयर रिडक्शन, हम 35000 में 6 सेशंस देते हैं. थर्ड है वेट रिडक्शन, जो हम अल्ट्रासोनिक कैविटेशन टेक्नोलॉजी से करते हैं. मशीन के थ्रू. सो इंस्टेंट वेट रिडक्शन. यस, ये वो VLCC वाला वैसा. अब मैं, हम किसी को कंपेयर नहीं करते, बट हां कह सकते कुछ 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 तो वही का उन्हीं का मार्केट था. सौम्या यहां आए हो तो तुलना तो करनी पड़ेगी. नहीं, आप ये मत बोलिए VLCC जैसा. ठीक है, VLCC से बहुत बेटर. तो एक मिनट, वेट रिडक्शन का कितने सेशन का क्या प्राइसिंग है? 3800 का सिंगल सेशन जाता है एब्डोमिन का. अगर पूरी बॉडी के आपको 4-5 पार्ट्स कराने, एब्डोमिन, बट्स, थाइस, तो वो 10000 का एक सेशन जाता है. अंडरस्टूड. और चौथा सर्विस है बचे हुए, मतलब स्किन रेजुविनेशन बोलते हैं, डार्क अंडर आर्म्स हो गया, स्किन रिपेयर. ओके, हाउ मच इज दैट? 3000 से 9-10000 तक जाता है सिंगल सेशन. और ये जो प्राइसेस आपने बताया है, ये कैसे अभी फिर तुलना करनी पड़ेगी? अब करते हैं. एवरेज टिकट साइज इन सबसे 25-30% ज्यादा है. आप काया में जाएंगे कि हेयर रिडक्शन कराएंगे, तो 70000 में बोलेगी. अर्बन कंपनी केवल परमानेंट हेयर रिडक्शन करता है, उससे भी कम है हमारा प्राइस. वो भी मशीन लाते हैं घर पे. वो मशीन लाते हैं, ऐसी मशीन नहीं लाते. लेकिन आप एकदम डिफेंसिव क्यों जाते हैं जैसे किसी और ब्रांड का नाम आता है? यू कैन जस्ट एक्सेप्ट इट, राइट? और आप हर बार डिफेंसिव होंगे तो सवाल का जवाब नहीं हो पाएंगे. फेयर. एक प्रश्न था बिजनेस मॉडल के बारे में. एग्जैक्टली आपका ऑपरेशन कैसे चलता है? आज की डेट में हमारे पास गुड़गांव में, दिल्ली में और नोएडा में एक स्पेस है, छोटी स्पेस है, ये डार्क स्टोर कह लीजिए आप. okay. जहाँ पे मशीन्स रखी रहती हैं. थेरेपिस्ट हमारे रोल्स पे रहते हैं, जो भी उनका रोस्टर है उस हिसाब से उनको रिपोर्ट करना है. वही डार्क स्टोर पे? करेक्ट. अच्छा जी, ओके. हमारे पास 50 थेरेपिस्ट हैं, और जैसे जैसे अपॉइंटमेंट्स होती हैं, तो लोग अपना सामान उठाते हैं. वो फिर, उनके पास उबर फॉर बिजनेस है, वो अपनी गाड़ी बुक करेंगे, तो वो ये सामान लेके उनके घर पे जाते हैं. हाँ, वहाँ जाके वो ट्रीटमेंट करती है. दे कम बैक टू द डार्क स्टोर. यस. God. ये जो आपके थेरेपिस्ट हैं, what is the profile of your therapist? So freshers होते हैं, they could be graduates or they could be pursuing graduation. ज्यादातर लोगों ने वो भी किया होता है, सैलून और ब्यूटिशियंस का कोर्स. तो आप भी उनको ट्रेन करते हैं? हाँ जी. सौम्या, आप अपना ऐप का कोई डेमो है तो वो दिखा दो. श्योर. ये हमारा ऐप है जिसमें आप ट्रीटमेंट्स चूज कर सकते हैं. अगर आपको डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन बुक करना है तो वो आप यहाँ से बुक कर सकते हैं. अब जैसे मैं कोई भी ट्रीटमेंट में जाऊँ, सपोज हेयर रिडक्शन में जाऊँ मैं, आप डिटेल में देख सकते हैं कि एग्जैक्टली आपके साथ होगा क्या उस सर्विस में. उसके बाद सो दे बुक इट, एंड देन व्हेन वंस द सर्विस इज डन दे कैन पे. बट इसमें कहीं ये पता नहीं लग रहा कि यू आर बेटर देन द अदर्स. दैट्स अ गुड फीडबैक. हम कॉल आउट करवाते हैं उसको. और बिफोर आफ्टर का डेटा डालना चाहिए कि इतना 20% लाइन रिडक्शन एक सेशन में मिला, 30% स्कार्स कम हो गए. फेयर पॉइंट. तो उसके बिना तो ट्रस्ट कैसे आएगा?
क्या दो reasons हैं जिसकी वजह से आपका results Kaya and Urban Company से better है? पहला reason है equipment. सारे equipment USFDA approved हैं, so that is number one. Second है the protocol, मतलब आप कर क्या रहे हो एक session में. So we do something called cocktail technology. हम लोग हर सर्विस में एटलीस्ट 5-6 स्टेप्स करते हैं जिससे बहुत ज़्यादा बेटर और फास्टर रिजल्ट आता है. थर्ड पॉइंट है जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए करने वाला एट द एंड ऑफ द डे इंसान है और ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है. तो हम एक एक चीज़ ट्रैक करते हैं. अगर टेक्नीशियन गई तो पहले तो हम उसका बाकी सब चेक करेंगे कि तूने मेकअप एयर हॉस्टेस जैसी तुम दिख रही हो कि नहीं, उसकी फोटो डालो, उसके मिलेंगे उनको 10 रुपये. अगर वो टाइम से पहुंचे तो उसके लिए उनको मिलेंगे 50 रुपये. रेडियो फ्रीक्वेंसी अगर 7 मिनट करना था, वो काउंटर की 7 मिनट की लाइव फोटो डालेंगे तो मिलेंगे 10 रुपये. तो ये 10 रुपये 20 रुपये 10 रुपये 20 रुपये करके एक थेरेपिस्ट एक उस पे 300-350 रुपए बनाती है ओवर एंड अबव हर फिक्स्ड सैलरी. बट लाइफ में ना बिजनेस में आई जस्ट वांट टू से इंसेंटिव डजंट सॉल्व एवरीथिंग इन द लॉन्ग टर्म एंड दैट कैन नॉट बी योर डिफरेंशिएटर बिकॉज़ जो भी आपने तीनों चीजें बताई हैं तीनों कॉपी हो सकती हैं. एंड दूसरी बात यह है कि उससे डेटा में आउटपुट में क्या इम्पैक्ट आता है, तो वो नंबर्स या डेटा अभी तक आपने कुछ दिया नहीं. मैं दोनों पॉइंट्स को आंसर करती हूँ. एक एक चीज जो ट्रीटमेंट में हो रही है कोई नहीं ट्रैक कर रहा, दैट्स नंबर वन. नंबर टू इज हमारे पास 50 थेरेपिस्ट हैं, 2 लोग हमें छोड़ के कॉम्पिटिशन के पास गए. हमारे यहाँ अगर लेट अपॉइंटमेंट्स आते हैं, कल जैसे हमें किसी क्लाइंट ने बोला मेरे को तो सुबह 6:30 बजे ही चाहिए, थेरेपिस्ट रहती है भजनपुरा में, बोलती मैं यहीं सो जाती हूँ. हमारे ऑफिस में कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई रात को रुका होता है विदाउट एनी इंसेंटिव. हमारे ऑफिस में 1-1, 2-2 किलो पोहा पास्ता सब रखा रहता है. So the culture that we have. Soumya, आपके SOPs क्या हैं वो culture के लिए कि accidentally बन गया, आपने deliberately culture की playbook बनाई है, तो वो आपका सबसे बड़ा differentiator होगा. Bring it to life for us. ये culture जब हम 5 लोग थे तब भी था और I think वो ही ethos चले गए हैं. I think I have got a good idea कि अब इसको लिख भी लो कि कैसे करना है. तो अभी तक है नहीं, इसका एक playbook बना लो आप. जी. Right? So that you can scale. And Soumya, third point जो आपने अभी तक बताया नहीं, which to me is the biggest thing. In a service company, training. तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइए when you talk about culture. Training हमारी ऐसी होती है क्योंकि हमारे लिए therapist is the face. Clinic में doctor भी मिलता है, एक सुंदर सी English बोलने वाली receptionist भी मिलती है, chamomile tea भी मिलती है. हमारे केस में वो सब कुछ नहीं होता, एक बच्ची आपके घर पे आके खड़ी हो जाती है. तो हमने उनको इस तरह से थ्योरी सिखाई है कि सामने वाले को बहुत कम्फर्टेबल फील होता है. जैसे उन लोग को सिखाया जाता है कि ये बोलना है कि मैडम आप हेयर रिडक्शन करा रहे हो, मैं अभी एक लेजर की लाइट छोड़ूंगी आपके हाथ के ऊपर, ये वैसे ही एक्ट करेगी जैसे आप गर्मी में काला कपड़ा पहन दो तो गर्मी लगती. बहुत सिंपल है, बहुत कंफर्टेबल है. बट प्रेफर क्या करते हैं लोग, सेंटर में जाके कराना या घर पे? मतलब अगर हमारे 100 कस्टमर आ रहे हैं तो एक की रिक्वेस्ट होती है कि मैं आऊंगा आप क्या कराऊंगा. होम सर्विस ये सब जो है आज की तारीख में कितना होगा वर्सेस इन क्लिनिक मार्केट? हाँ, परसेंटेज परसेंटेज में तो जो हमारा बिजनेस है डिवाइडेड बाय 2 बिलियन की मार्केट, क्योंकि और तो कोई कर नहीं रहा ना, तो अंडर 1% मान लेते हैं आज की तरह. आगे चल के आपको क्या लगता है ये कितना परसेंटेज हो जाएगा? हम 20% ले लेंगे तो 20% हो जाएगा. सोमी आप है ना जो जवाब दे रही है जिस तरह से थोड़ी सी एरोगेंस नजर आ रही है, राइट? आइदर यू आर पुटिंग पीपल डाउन या जवाब सवाल को ही आप नीचा कर रही है. आपका जो मार्केट है फिनोमिनली बड़ा मार्केट है, पर आज मैं आपके साथ नहीं जुड़ पाऊंगी विच इज बिकॉज मुझे शुरू से एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आपकी ह्यूमिलिटी मिसिंग है. ऐसी कैटेगरी ना, इसमें इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटीज होती है विमेन की, इसमें एक्स्ट्रा एम्पथी की जरूरत होती है. और आप जो जैसे अपने कॉम्पिटिशन को लुक डाउन करते हैं, 20 साल पहले ये स्टैंडर्डाइजेशन बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं, उससे सीखने को भी बहुत मिलता है. पर अभी तो ऐसे कॉन्वर्सेशन में लग रहा है कि आप में बहुत ही कम ह्यूमिलिटी है, एंड दैट विल कम इन द वे ऑफ बिल्डिंग अ लार्ज बिजनेस. दैट्स माय फीडबैक, आई एम आउट. आप कुछ कहना चाहते थे बोल दीजिए. आई थिंक ऐसा नहीं है कि ह्यूमिलिटी नहीं है, आई एम सॉरी अगर ऐसा आ रहा है तो. सेकेंडली हम कंपटीशन को डाउनग्रेड नहीं करना चाहते, बट मुझे ऐसा लगता है अगर कोई हंड्रेड्स ऑफ मिलियन रेज करके दुनिया के सबसे अच्छे टैलेंट को हायर करके हमसे भी कम नंबर कर रहा है एक शहर में, और हम ये 100 इंटर्न्स फ्रेशर टाइप के साथ चला रहे हैं धंधा, तो आई थिंक हमने वी हैव बिल्ट समथिंग दैट वी शुड बी प्राउड ऑफ. लेकिन इस बात को लेकर आप जज्बाती क्यों हो रहे हैं?
क्योंकि अब आपने मेरे पर्सनालिटी पे एलिगेशन लगा दिया कि मैं हम्बल नहीं हूँ. अच्छा, इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू. The point of view. That you may have come across like that, but that can is I not. Can I have some water? Yes, absolutely. अभी आपकी सेल पे तो आए नहीं है और डिसीजन आ रहा है तो कोई रीजन होगा ना. मैं अभी इससे बाहर हूँ और मैं इसलिए बाहर हूँ क्योंकि एक तो मुझे लगा कि डिफरेंशिएशन कोर नहीं है. आप एक बहुत ही स्टेलर करियर से आए. मुझे कुछ चीजें ना, एक भाषा होती है, यू नो, थिंग्स गेट क्रिएटेड इन लैंग्वेज एंड दे गेट डिस्ट्रॉयड इन लैंग्वेज. जब शुरू में भी विनीता ने पॉइंट किया था एक बात, आपने कहा करोल बाग की आंटी और ये सब, आपका इंटेंट गलत नहीं है बट लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपने स्टाफ को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, रात को सुलाते भी हैं अपने ऑफिस में, पर कुछ चीजें आपने कहीं अपने स्टाफ के लिए. आपने फिर कहा लड़की, फिर आपने कहा 5 रुपए 10 रुपए 50 रुपए. थोड़ा सा ना, इंडिया में बहुत जरूरत है हमको डिग्निटी ऑफ लेबर लाने की. हमारे यहाँ 15,000 लोग हैं. मैं कभी नहीं बोलूंगा कि ये लड़के को बोल दो कि उस स्टाफ को सेल कर दे. राजेश विल सर्व यू, ये नहीं है लड़का विल सर्व यू. आज मैं इससे बाहर हूँ, बिकॉज समवेयर आई थिंक ये बहुत लंबी जर्नी होगी, बट बेस्ट ऑफ लक. But आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? I think I've messed this up. No, why? This is nothing to be messed up. This is an evolution journey of an entrepreneur. जब मैं बोलती हूँ कि लड़की आगे खड़ी हो गई, that's what the client think. हम अपने कस्टमर्स को क्यों नहीं रिस्पेक्ट करेंगे? हम क्लाइंट बाय क्लाइंट ग्रो करते हैं. हमारा 30% धंधा हर महीने का रिपीट क्लाइंट से आता है. हम 4.8 रेटेड हैं. आपको लगेगा कि हम पैसे फेंक रहे हैं, बट यू नो वी डोंट हैव अनलिमिटेड मनी टू गिव आउट दीज इंसेंटिव्स. आप एक तो ना, आपको क्या कहा मैंने कहा आपको फीडबैक दे रहा हूँ, मैं जस्टिफिकेशन नहीं मांग रहा हूँ. आई सेइंग यू विल डू वेल, ओके, विल डू वेरी वेल, राइट. मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी बहुत गलतियाँ कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ. मैंने आपको उसी हिसाब से फीडबैक दिया, जज नहीं किया आपको. विल डू वेरी वेल. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट हैप्पियर स्टफ. सेल्स के बारे में बताइए. अभी हम 60 लाख कर रहे हैं फॉर द ईयर. नो, फॉर द मंथ. वाओ, दैट्स वेरी गुड. दिल्ली से बॉम्बे हमने 15 दिन पहले शुरू किया है. बॉम्बे में भी हमने 15 डेज में भी 3-4 लाख का धंधा. कितने साल से कर रहे हैं आप ये बिजनेस? ये अप्रैल 2022 में मैंने पार्ट टाइम शुरू किया था. तो पहले से सेल्स क्यों नहीं बताई? आपने पूछी नहीं. सेल्स अच्छी है, लेकिन जो आपने 70 करोड़ की वैल्यूएशन मान ली और आपने कुछ 7 करोड़ रुपया सेल्स है आपका साल का, तो ये कहाँ से आ रहा है 10x सेल्स? हमें लगता है कि हमने एक प्रूफ पॉइंट जनरेट कर दिया है कि हम किस तरह से सेल्स अचीव कर सकते हैं अक्रॉस द स्पेक्ट्रम. बेसिकली बस अब हमें बस डार्क सेंटर्स गाड़ते हैं जो ऐसे होते हैं. आपने कोई पहला राउंड किया है? ये हमारा पहला राउंड चल रहा है. कितनी कमिटमेंट्स आई और क्या राउंड साइज है? 2 मिलियन का राउंड है. हाँ जी. वाओ. अब हम 500K के लिए चाह रहे हैं, हमें कोई स्ट्रॉन्ग एंजल्स हमारे साथ आ जाएं. तो 1.5 मिलियन कमिट हो गया आपका? हाँ जी. एट 70 करोड़ वैल्यूएशन? हाँ जी. ओके, गॉट इट. अच्छा सौम्या, मैं भी आज आउट हूँ, पर उसके पहले आई'd लाइक टू गिव यू 2 क्विक फीडबैक. 70 करोड़ इज वेरी हाई वैल्यूएशन. उससे बड़ी फीडबैक इन द रीजन आई एम नॉट कमिंग, मैंने जो पहले बताया, ट्रेनिंग इज द बिगेस्ट थिंग जहां मैं अपना टाइम स्पेंड करती हूँ, बिकॉज ये एक ट्रस्ट का बिजनेस है. तो वहां मुझे ठीक से आपका जवाब नहीं आया. प्लीज वर्क ऑन दैट, ताकि इन्वेस्टर को एक कॉन्फिडेंस आए कि ये ट्रस्ट का बिजनेस है एंड आपके जो थेरेपिस्ट है दे विल डू जस्टिस. लवली मीटिंग यू एंड आई लव योर एनर्जी. थैंक यू. तो लोग क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं आप में? मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं. बता दो मार्जिन्स जब पहुंच गए वहां. ग्रॉस मार्जिन है 87% की. देयर इज अ रियल वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ दीज सर्विसेज. हर लड़की, हर कस्टमर जो सैलून जा रही है वो कम से कम 1,000 रुपए वैक्सिंग पे खर्च कर रही है. कम से कम 30 साल कराती है वैक्सिंग मिनिमम. उसमें बोल रहे हो कि आप 35,000 में ले लो. तो मार्केट और वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत बड़ा है. कोई स्टैंडर्डाइज नहीं कर रहा है जिस तरह से हम कर रहे हैं. अभी आप प्रॉफिटेबल है? नहीं, हम ऑपरेशनली हम CM2 लेवल पे 9% कर रहे हैं. कितना महीने का कितना खर्चा? 10 से 15 लाख. तो ये किसने डाला जब आपने कहा अभी पहला राउंड हो रहा है? हमें सिकोया स्पार्क से 100K का ग्रांट मिला था. अच्छा अच्छा. और 1.5 करोड़ मैंने खुद के डाले. आपका ओमनी चैनल का कोई प्लान है? क्योंकि मुझे लगता है कि एक हद तक ये सीमित हो जाए, राइट? ऐसा नहीं होगा कि 50% घर पे हो.
अगर इसका मॉडल फ्रेंचाइजी द्वारा देखा जाए जहाँ मशीन्स भी आप सप्लाई करें, आई डोंट नो व्हाट योर सोर्सिंग इज फॉर द मशीन, आपने कहा कजिन करता है इंपोर्ट मशीन, अब हम डायरेक्ट करते हैं, हमने कजिन से कॉन्टेक्ट लिए तो हमने मशीन बना, सो ये मशीन्स मिलती नहीं है किसी को, ये बस हमारे पास है। तो अगर वो अपने पास डिफरेंशिएटर है बताते हैं, तो उससे आप एक ओमनी चैनल बिजनेस खड़ा कर सकते हो ताकि ब्रांड भी साफ दिखेगा, आपके रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। हमने पहली ऑफलाइन क्लिनिक स्टार्ट कर दिया है, मतलब उसमें अब हमारा बोर्ड वोर्ड लग रहा है। तो आपके पास पैसे वैसे बचे अभी? 25 लाख बचे अकाउंट में। तो दो महीने के बचे, तो अभी इसलिए फंड रेज कर रहे हैं। और नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो एक अपार्टमेंट है उसको बेचेंगे, उससे चलाएंगे। चलिए स्वामी, मैं एक बात कहता हूँ, valuation is completely off, but there's a spark in you, rough around the edges lekin ek spark hai, so I'm willing to take a bet and my offer is 70 lakhs for 3%. So main bhi aapko same offer match karta hu, 70 lakhs for 3%. I also feel ki aap kuch kar sakte ho. क्या हम इसे एक्विटी और डेट का मिक्स कर सकते हैं जिसमें आप मेरा वैल्यूएशन एक्विटी के लिए मत चेंज करिए, आप मेरे को डेट दे दीजिए। आप इधर देख के क्यों नहीं बात कर रहे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो आप 35 लाख्स फॉर 0.5% कर दीजिए। इधर 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 हाँ। 35 लाख्स फॉर 0.5% और 35 लाख्स डेट। डेट आप क्या इंटरेस्ट देंगे? मार्केट में 14% में मिलता है NBFCs से। तो 14% में डेट दिया, 50 लाख 20 लाख इक्विटी डन। At the same valuation। जो आपने मांगा, मैं आपकी बात रखूँ। I match। You're matching। अनुपम और अमन का सेम ऑफर है, 20 लाख फॉर 0.28% एंड 50 लाख डेट एट 14% इंटरेस्ट रेट पेड ओवर 1 year 3 years डन। सौम्या, मैं बताता हूँ आपको किसकी जरूरत है यहाँ पे। आपका जो मैंने आपको जब आपने वेबसाइट दिखाई ना, एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि आपको जो ट्रस्ट दिखाना था ना, वो बहुत क्रिटिकल है। दैट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट। हु अंडरस्टूड योर बिजनेस बिफोर यू मेंशन्ड ओमनी चैनल? ओह गॉड, और आपका ऑफर ऑफर किसने बनाया आपके लिए? आप लोग दोनों क्यों नहीं आ जाते हैं? इक्विटी बहुत कम है सो आई थिंक कि थोड़ा मतलब इंसेंटिव भी रहे, इक्विटी थोड़ी बढ़ा देते हैं सेम वैल्यूएशन पे। तो आपका क्या काउंटर है सौम्य? मैं चाहती हूँ कि आप 35-35 का डेट और इक्विटी का मिक्स कर लें। आपका काउंटर है 35 लाख 0.5% इक्विटी और 35 लाख डेट एट 14% ओवर 3 years। आई एम ओके विद दैट। अच्छा, आपको आना है, ऐसे करना है आप? कर दीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। ऑलराइट सौम्या, यू हैव अ डील। ये गुड जॉब, वेरी गुड, वेल डन। Congratulations, well done. Thanks a lot. हाय शख्स, मेरा नाम है ओमकार दयानंद दरेकर। हाय शख, संगीता दरेकर। हाय सर, मैं दरेकर दयानंद लातूर महाराष्ट्र से हूँ। मैं 20 साल से मंडप डेकोरेशन का बिजनेस करता हूँ। शहर में शादी करना है तो आसानी से हो जाती है, लेकिन गांव में शादी करेंगे तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने ये चलता फिरता मंगल कार्यालय बनाया। क्यों जाना मंगल कार्यालय के द्वार पे, जब मंगल कार्यालय ही आ सकता है आपके द्वार पे। सो शख्स, हमारा जो ये मंगल कार्यालय है वो एक पोर्टेबल हॉल है। इसमें 300 लोगों की कैपेसिटी है। इसमें हमने पूरी फैसिलिटी दी है, जैसे कि एसी, स्टेज, डेकोरेशन, लाइट, साउंड एंड हॉल। हमने अब तक 40 से भी ज्यादा इवेंट कर चुके हैं। वाओ। और ये 25 से भी ज्यादा इसका यूज हो सकता है, जैसे कि मूवेबल हॉल हो या इमरजेंसी हॉस्पिटल हो या फंक्शंस हो या इवेंट। ये हॉल आप कहीं भी और कहाँ भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप माउंटेन्स हो या रिवर हो या सी हो या बीच पे हो या आपके घर के पास या गांव में या खेत में। हमने जब हमारा वीडियो यूट्यूब पे डाला था तो वो इतना वायरल हो गया था कि हमें 15,000 तक हमें कॉल आ चुकी थी हमारे हॉल के लिए। तो सर, हर गांव में जो मोबाइल टावर रहते हैं वैसे हमारा चलता फिरता मंगल का हर गांव में रहे, यही हमारा विजन है। क्या बात है। सो शख्स, हमारा आस्क है 2 crore for 10% इक्विटी।
तो सर आ गया है चलता फिरता मंगल कार्यालय आपके शार्क इंडिया के द्वार पे, आप और हम मिला के पहुंचाते इसे इंडिया के हर घर के द्वार पे। तो चलिए शार्क, आपका हम स्वागत करते हैं सर। वाह, अरे वाह, चलो चलो, क्या चल रहे? मंगल कार्यालय देख रहे हैं। आ जाओ। चलते फिरते मंगल कार्यालय। अरे भाई, किसने ये सोचा? इंजीनियर मेरा, डिजाइन मेरा है, खुद का। नहीं नहीं सर, मैं 12वीं पास हूँ सर। मंडप अगर लगाएंगे तो लाख लाख दो दो लाख रुपए लगते हैं सर। जमीन पे इसको हम 50,000 रुपए दे रहे हैं। दिन का 50,000? दिन का 50,000। खाना अलग? खाना अलग। खाने का पर प्लेट का क्या लगता है? अभी हमारे इधर 200-250 रुपए चलते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये कितनों का वेट ले सकता है? 300 लोग जाने दो, 400 लोग जाने, कुछ नहीं प्रॉब्लम। कोई दुर्घटना हुआ है? नहीं सर, एक बार भी नहीं। All right, man. This Whoa. is crazy cool. अरे wow. अरे यार, एकदम शादी वाली फील आ रही है। Not bad. और लुक एट द डिस्को बॉल। लग नहीं रहेगी ट्रक में। ये स्मेल किस चीज का आ रहा है? एक कारपेट का है सर। तो ये हमेशा रहता है सर? नहीं 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 रहता। इसमें एग्जॉस्ट क्यों नहीं लगा है? इधर क्या इसका पॉइंट है? ये हमारा एक ब्रांड है स्पीकर का। हाँ, वो आप लगा दीजिए। इन्वेस्टमेंट करते ही बदल देंगे सारे स्पीकर। हेलो हेलो, मेरा हाथ पकड़ियो। बहुत मजा आया, मजा आया। बहुत अलग अलग चीजें हो रही है भारत में, मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ये इंडिया का पहला होगा चलता फिरता? इंडिया में का पहला प्रोडक्ट है। अमेजिंग। बड़े चीज नहीं दिखे वहां, मूत्रालय नहीं दिखा? नहीं सर, उसकी गाड़ियां है ना सर। अलग गाड़ियां थी? अलग गाड़ियां। आप पहले अपनी बारे में बताइए। मैं पहले मंडप डेकोरेशन का बिजनेस करता था, क्योंकि मैं ऑटो चलाया, पनपट्टी किया, वड़ा पाव किया, इतने बिजनेस करके यहाँ तक पहुंचा हूं सर। अरे वाह, क्या बात। पुणे MIDC में 4 साल काम किया सर। अच्छा। और मैं हेल्पर था, वो कंपनी में हेल्प झाड़ू मारता था। अरे बाप रे। और ओंकार जी, आप फुल टाइम कर रहे हो? ये फिलहाल तो कॉलेज चल रहा है, पर कॉलेज के अलावा मैं यही कर रहा हूँ पापा के साथ। तुम्ही काय करता हो? तुम्ही काय करता? मी पण जसं काम करते कंपनी मध्ये, रोजगार म्हणजे जे रोजगारी राहतात ना, त्यांना जाऊन सांगायचं काम हे कर ते कर। अच्छा, इंस्ट्रक्शन द्यायचं काम करता? कितना टाइम हो गया आपको स्टार्ट किए हुए? अभी स्टार्ट करके 1 साल ही होगा। ये कितनी शादियां करवाई आपने? अभी इसमें 40 प्रोग्राम ऑल हो चुके। मतलब 12 महीने में 40, मतलब एक महीने में करीब 3 कर रहे हैं आप? हाँ बराबर। तो इतनी डिमांड है? जो कस्टमर की मांग है ना सर, वो ज्यादा है। किसी की 600 लोगों की शादी होती है, किसी की 1,000 लोगों की शादी होती है। तो फिर वो कैसे करेंगे आप? हम ऐसी गाड़ियां बनाने वाले कि गाड़ी से गाड़ी जॉइंट कर हम कितना भी बड़ा बना सकते हैं। पर इस ट्रक में शादी करने का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है सर, अगर हम मंगल कार्यालय जाएंगे तो मंगलवार कार्यालय की डिमांड है कि 2-3 लाख रुपए डिमांड है। आप कह रहे हैं आप सस्ते हैं? हाँ। तो आप कितने सस्ते हैं? आप 50,000 रुपए लेते हैं? 50? हाँ, 50,000 ले रहे हैं। और खाने का? 200 लोगों की शादी जो है सर, वो और कोई प्रोग्राम हो वो 80,000 में पूरा हो जाता है खाने के साथ। पर सर, लातूर में तो 50,000 में मिलना चाहिए ना, कम्युनिटी सेंटर का एक कार्यालय। हल दूर होता है, आपका घर यहाँ पर है, हल दूर होता है। मुझे समझो मेरे खेती में शादी करना है, मैं खेती वाला हूँ बड़ा, मेरे मजबूर है बल्कि हल के पास जाना पड़ता है। मुझे तालाब के बाजू में निसर्ग रम्य जगह पे किधर भी हम शादी कर सकते। तो अभी लोग क्या कहते हैं जब यहाँ से जब इसमें होता है तो लोगों को अच्छा लगता है? शादी प्रोग्राम करेंगे ना सर, वो बोलते हैं यार मैं बहुत भारी जगह शादी किया, वहीं से मुझे बुकिंग मिलती है, लेकिन थोड़ा उनकी डिमांड ज्यादा है, हम थोड़ा ये। अभी क्योंकि नया नया है। हाँ, नया नया है, नॉवल्टी है। मुझे सर MP से एक कॉल आया था, वो रिटायर्ड मिलिट्री मैन होगा, तो उसका रिटायर का डेट था, उसने 2 लाख रुपए ले लिया, लेकिन आपका मेरा प्रोग्राम वो गाड़ी में करो। फिर हुआ? नहीं सर, उधर मैं MP नहीं जा सकता। अच्छा। मेरी गाड़ी मैं कम पड़ रहा हूँ। आपके पास कितना गाड़ी है अभी? अभी एक ही गाड़ी। एक गाड़ी का कितना खर्चा है टोटल? मैंने अभी जो पुराना ट्रक लिया वो 10 लाख का लिया। 10 लाख का गाड़ी लिया, उसपे खर्चा कितना? ये डब्बा जो है मेरा 30 लाख का। तो 40 लाख आपका खर्चा हो गया। हाँ। 50,000 रुपया आप गाड़ी का लेते हैं ना? बराबर। आपने किए हैं 3.5 इवेंट पर मंथ 1 साल, तो आपने कमाया 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया मान लेते हैं। और उसमें घर में कितना पैसा बनता है अपना? खाली अगर हमारा गाड़ी गया सर, तो उसमें हमारा खाली 5,000 रुपए खर्चा है। आपका खर्चा आप कह रहे 5,000 रुपए है, पर मैं मान लेता हूँ 10,000 है, क्योंकि मेंटेनेंस की भी कॉस्ट आती है, तो 40,000 रुपए आपको बढ़ जाए। जो अनुपम कह रहे हैं, महीने का 1 लाख 1.25 लाख रुपए इससे बनाते हैं,
तो साल में 15 लाख रुपए बन जाता है, 12 लाख मान लो प्रॉफिट आपका, 12 लाख 13 लाख प्रॉफिट बन जाता है, मतलब साल में पैसा रिकवर हो जाएगा जो लगाया है। तो ये जो आपने 40 लाख लगाया है, ये अपना सेविंग से लगाया है या कहीं से? मेरा मंडप का बिजनेस है ना, पहले से लगा, मेरी सेविंग से लगा। वो मंडप का बिजनेस अभी भी चल रहा है? चल रहा है ना। उसमें कितना कमा लेते हैं? मेरा उसमें एक साल का कम से कम 1 करोड़ रुपए से आगे जाता है बिजनेस। नहीं 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 भाई साहब, आपका 1 करोड़ रुपया प्रॉफिट है कि सेल है? नहीं प्रॉफिट है मेरा एक साल का। हाँ एक साल। जब से बिजनेस आ रहा है ना मेरे दिमाग में घुस गया ना ये गाड़ी का, तब से मेरा बिजनेस वो बिजनेस से मेरा कम हो गया। कम हो गया। और जहाँ पे 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो वो मन हटना तो थोड़ा अजीब बात है। सर वो क्या हुआ है, जो हमारा पापा के पास जो 4 करोड़ का मटेरियल था, उन्होंने पूरा इन्वेस्टमेंट 2016 से वो उसमें डाल दिया, मतलब धीरे धीरे वो बेचते गाड़ी में डाल। पर जब लॉकडाउन लग गया पूरा, वो लॉकडाउन में उन्होंने पूरा जो 1.5 करोड़ का हमारा मटेरियल बचा था वो उन्होंने 18 रुपए किलो से बेचा। 4 करोड़ आपने इसमें डाला है 2016? हाँ, मैंने पुणे में ऑफिस बनाया, उसमें 42,000 ऑफिस को भाड़ा था, 50,000 रुपए गोडाउन को भाड़ा था, और मेरी 10 लोगों की वहाँ पर टीम थी, डिजाइन, इंटीरियर, फैब्रिकेटर्स, सर्वे, जो भी हमारे को जो टीम लगती है वो टीम का पूरा सर्वे करके मैंने अभी रखा है। वो लोगों को 20,000-18,000 ऐसा पेमेंट था। तो 2017 से आज तक टोटल कितना खर्चा हुआ होगा? 3 से 4 करोड़ रुपए डाले मैंने। 3 से 4 करोड़ पूरी जान लगा दी इसमें। लेकिन वो R&D हो गया, अभी आगे चल के सेम चीज अगर आपको वापस बनानी है तो 40 लाख ही खर्चा हो, ये बोल रहे हैं? कम होगा सर, अगर क्वांटिटी में अगर हम गाड़ियां बनाएंगे 30 से 35 लाख तक। पर मुद्दे की बात ये है कि आप कह रहे हैं मेरे को गाड़ी बढ़ाना है। हाँ। अब गाड़ी क्यों बढ़ाना है? पहले इसी गाड़ी को आप साल में कम से कम 150-160 दिन अगर इसको काम पे लगाएंगे तब तो पैसा बनेगा। आप 50 बोल रहे सर, इसको मैं महीने के 30 दिन चलाऊंगा सर, ये मेरे पास उसका। पहले आप वो चलाइए ना, और गाड़ी क्यों बढ़ाना चाहते हैं? नहीं गाड़ी कम पड़ रही है सर, मुझे नासिक से पड़ना है, जालना से पड़ना है। अरे पहले जहाँ पे आप है वहीं पे कर लीजिए ना, मेरा कुछ भी। तो फिर इसका मतलब एक लोकेशन में ज्यादा बिजनेस नहीं है, तो आप हर लोकेशन में एक एक गाड़ी रखेंगे। हाँ। तो आपका जो पैसा लग रहा है और जितना बिजनेस उस गाड़ी में आ रहा है वो इनफ नहीं है। बराबर। तो अभी मेरा प्लान थोड़ा बताता हूँ। छत्तीस जिले में मेरा हर जिले में ऑफिस होगा, हर जिले के लिए मेरी 25 गाड़ी, मैंने 900 गाड़ी का प्लान रेडी करके रखा है। मुझे अगर 900 गाड़ी अगर मेरी मार्केट में चलेगी तो मुझे रोज का 4.5 करोड़ रुपया आएगा, 1 महीने का 145 करोड़ रुपए बिजनेस मेरा। दयानंद जी, 4 करोड़ डाला है, इसलिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको थोड़ा सा सच बताएं। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर एक गाड़ी में 20-25 दिन की मंथली निकल नहीं रही है एक रीजन में, तो जो आपका सपना है 900 गाड़ी का 4 करोड़ वाला, वो भी नहीं होगा। अभी वो आइडिया क्या है कि अगर 2 CR हम ले रहे हैं तो उसमें हमारी 4 गाड़ियां हो जाएगी आराम से, तो उसका पर डे अगर वो गाड़ी चली गई तो उसके कितने हो गए, 4 गाड़ी हो गए 50,000, 2 लाख रुपए, 2 लाख इंटू 10 डेज बोले तो कितना हो गया? 20 लाख। 10 डेज अभी 4 दिन पे है वो चैलेंज, 3.5 दिन पे चल रहा है आपका। मेरे को बहुत मजा आया आप लोगों से मिलके, आप लोगों का आइडिया बहुत अच्छा था। आप कहाँ से स्टार्ट हुए और आप कह रहे थे कि मैं झाड़ू लगाता था, और आज आपके पास 1 करोड़ का आप धंधा कर रहे थे, और आपके पास अपना एक इवेंट हॉल जैसा भी बन गया है, आपके सपने भी बड़े हैं कि आप और ऊपर जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरा सजेशन ये है कि जैसे सबने बोला कि इस गाड़ी पे ही ध्यान लगा के इसकी एफिशिएंसी बढ़ाओ, आज आप बम्बई तक तो लेके आए हो ना, तो थोड़ी और एरियाज में जाके ट्राई करो। अभी अनफॉर्चुनेटली मैं आपके साथ नहीं जुड़ पाऊंगा, बट ऑल द बेस्ट। मैं भी कहना चाहूंगी कि बहुत मजा आया आपको मिलके, लेकिन मैं आपको मेरा प्रॉब्लम बताती हूँ। जब मैं अंदर गई मुझे एक सेफ्टी इशू लगा वहाँ, जब फेरे होते हैं तो वहाँ आग होती है, यज्ञ होता है, तो वो इतनी छोटी जगह में वो फेरे लेंगे, वहाँ वो फायर होगा, फिर वो जो आपने प्लेटफॉर्म लगाया था एक्सटेंशन जैसे, बहुत मुझे अनस्टेबल जैसे लग रहा था। थोड़ा सा आप इसके बारे में सोचिए, मुझे थोड़ा रिस्की लगता है, उसके वजह से आई एम आउट। थैंक यू। देखिए आपका जो आइडिया है ना वो अच्छा आइडिया है, क्योंकि जगह नहीं है, आपने पूरा इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम वगैरह बनाया है, और बिजनेस भी आएगा और बड़ा भी बन सकता है। अगर जहाँ पे अभी ये गाड़ी खड़ी है वहाँ पे ज्यादा डिमांड नहीं है, तो आप इस गाड़ी को ऐसी जगह ले जाके खड़ा कर दीजिए जहाँ पे डिमांड ज्यादा हो। दूसरा, आप अभी इसमें सारे खर्चे नहीं गिन रहे, मैं मान ही नहीं सकता कि आपका एक इवेंट का खर्चा 5,000 है। और थोड़ा सा मैं आपको एडवाइस दूंगा इसके अंदर, तेज बहुत जल्दी में मत रहिए, बूंद बूंद से ही सागर बनता है, ठीक है? आज मैं इससे बाहर हूँ,
मुझे नहीं लगता अभी आपकी बहुत ज्यादा मदद कर पाऊंगा मैं, पर बेस्ट ऑफ। मैं भी आज आउट हूँ, इसमें और पैसा नहीं डालना चाहिए। एंड जब एक की 20 या 22 दिन की बुकिंग आएगी उसके बाद ही आप सोचिए, आपकी एक प्रोडक्ट अच्छी है पर आज डिमांड नहीं है। बट लातूर से आके आपने आज सबको काफी इंस्पायर किया विद योर 0 to 4 crore जर्नी, सो थैंक यू। आई एम आउट, गुड लक। अब भाई साहब, आपने वड़ा पाव का ठेला चलाया ना? हाँ चला। पैसा कमाया उसमें? कमाया, लेकिन बंद क्यों किया उसको? बंद क्यों किया? फिर बाद में मैंने मंडप डेकोरेशन बिजनेस डाला और उसमें ज्यादा पैसे कमाने लगे। हाँ, उसमें ज्यादा पैसे है ना? हाँ। अभी अगर आपका वड़ा पाव बिजनेस में या आपके मंडप बिजनेस में नुकसान हो रहा होता तो क्या आप जाके मंडप बिजनेस दूसरे शहर में शुरू करते? नुकसान हो रहा तब नहीं, नुकसान हो तब नहीं, नुकसान हो रहा तो नहीं करते, नहीं करते। तो ये बिजनेस भी आप 6-8 साल से कोशिश कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, उसके बाद 1 साल निकल गया, आपको 3.5 बुकिंग आ रही है हर महीने की, आप मान नहीं रहे हैं कि डिमांड नहीं है। क्या हो गया ना, मैं आपको बताता हूँ। 8 साल से आपने इतना खून पसीना और अपनी वजूद इसमें लगा दी कि आपको ये आइडिया से प्यार हो गया। तो ये किस टाइप का दीवानापन है आपका कि आपने बोल लिया नहीं मैं 900 गाड़ी लगाऊंगा? तो आपको उस विषय में थोड़ा समझना है, क्योंकि प्लान से बिजनेस नहीं बनता। आप जो बिजनेस कर रहे थे ना मंडप का, प्लीज उस पर रिफोकस करके वो 1 करोड़ रुपया जो बन रहा था ना साल का, उसको निकालना शुरू कीजिए। अगर वो बिजनेस बनेगा ना साइड में, ये बन जाएगा, लेकिन उसको छोड़ के ये करोगे तो वहां के भी नहीं रहोगे, यहाँ के भी नहीं रहोगे। मैं आज आउट हूँ, लेकिन गुड लक टू यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू। चलिए, मजा आया। नमस्ते शार्क्स। हम बढ़ रहे हैं, हम 140 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं, फिर भी हम बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बढ़ती हुई आबादी को खाना खिलाने के लिए जो जमीन लगती है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। आज एग्रीकल्चर में हमें किसी उन्नत टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स। आज गांव के किसान से लेकर स्पेसशिप के साइंटिस्ट भी इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपना खाना उगाने के लिए। शार्क्स, वेस्टर्न कंट्रीज में हाइड्रोपोनिक कई सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी भारत में उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। उसके 3 मुख्य चैलेंजेस थे, एक क्या उगाएं, दूसरा कैसे उगाएं, और तीसरा जो उगा है वो कहाँ बेचें। और हम आज इन्हीं चैलेंजेस का सॉल्यूशंस लेके आए हैं आपके सामने। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है सुधीर देवकर। और मैं हूँ प्रिया देवकर, और हम हैं फाउंडर्स ऑफ क्राइजन बायोटेक। क्राइजन बायोटेक एक एग्रीटेक कंपनी है जो एक वर्टिकल फार्मिंग और उसके अराउंड इकोसिस्टम बना के आपको कम से कम जगह में कम से कम रिसोर्सेज और कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन देती है। आज हम वर्टिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 1 एकड़ का प्रोडक्शन 5000 स्क्वायर फीट जैसी छोटी सी जगह में ले सकते हैं। अब तो हम अपने फ्लैट के बालकनी में भी एक हाइड्रोपोनिक फार्म चला सकते हैं। हमारी आजू बाजू की क्लाइमेटिक कंडीशन और जियोग्राफी को ध्यान में रख के इस फार्म का निर्माण किया जाता है। क्राइजन बायोटेक ने 3 सॉल्यूशन बनाए हैं। पहला सॉल्यूशन प्राइस वॉचर। प्राइस वॉचर की मदद से हमें पता चलता है कि आने वाले समय में कौन से फसलों की कीमत बढ़ने वाली है, तो आज हम डिसीजन ले सकते हैं कि किसका प्लांटेशन करें जिससे आने वाले समय में हमें फायदा मिल सकता है। दूसरा हमारा टेक्नोलॉजी है हाइड्रोबिल्ड। हाइड्रोबिल्ड हम कहीं पर भी बैठ के हमारे फार्म को मैनेज करने में मदद करता है। ये AI बेस्ड रिमोट मॉनिटरिंग ऑटोमेशन सिस्टम है। और तीसरा है बायर्स कनेक्ट। जो भी चीजें हम उगाते हैं उसको हम बायर से कनेक्ट करके बहुत ही आसानी से बायर्स को बेच सकते हैं। और इसी तरह हमने पूरी इकोसिस्टम बनाई है, और इन्हीं चीजों की मदद से आज मनाली से लेके अंडमान निकोबार तक 40 से भी ज्यादा फार्मर्स को हमने उनके फार्म सेटअप करने में मदद की है। शार्क्स, हमारा विजन है कि हम इंडिया के हर एक फार्मर्स तक इस टेक्नोलॉजी को पहुंचाए और फार्मिंग को एक प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बिजनेस बने। तो आज हमारे एक छोटी सी आज के 75 lakhs फॉर 3% ऑफ आवर कंपनी। तो आइए शार्क्स, मिलके इस देश के सबसे बड़े इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्राइजन बायोटेक के साथ अब कोई भी कहीं भी फार्मिंग कर सकता है। Awesome. Welcome to Shark Tank. धन्यवाद। आपने AI का वर्ड यूज किया एग्रीटेक में जो पहले कभी नहीं किया, तो मे बी आप उससे शुरुआत करें कि आप AI कैसे यूज कर रहे हैं। AI हम लोग 2 जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला AI का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं प्राइस वॉचर में, जहाँ पे हमने क्या किया कि पिछले कई सालों का अलग अलग कमोडिटीज का डेटा हमने गैदर किया है।
क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे चेंज होती है या फिर जिस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट होती है मार्केट में, कमोडिटी की प्राइसिंग चेंज हो जाती है। उससे हम लोग बस ये अनुमान लगाते हैं कि क्या ये चीज ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। उसी अनुमान पे हम आज डिसीजन ले सकते हैं कि इसका प्लांटेशन करना चाहिए कि नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी विंटर का सीजन चालू हो गया, हम देख सकते हैं कि बीसिल की कीमत स्टैग्नेंट रहेगी, कोकचा की कीमत बढ़ सकती है, ब्रोकली कीमत बढ़ सकती है। तो इस पे आज फार्मर डिसीजन ले सकते हैं कि उसे बेसिल नहीं उगाना चाहिए, उसे ब्रोकली उगानी चाहिए, जिससे उसको ज्यादा फायदा हो सकता है आने वाले 3 से 4 महीने। अभी तो हम लोग AI बहुत बेसिक लेवल पे है, लेकिन धीरे 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 ये और एडवांस होते जाएगा। तो ये आपने खुद बनाया है? ये हम लोग का इनहाउस डेवलपमेंट है। आपका क्या बैकग्राउंड है? मैंने अपनी स्कूलिंग की थी मुंबई से, फिर मैं गया बैंगलोर इंजीनियरिंग के लिए RGIT हिब्बल में, और उसके बाद मैंने मल्टीपल MNC कंपनीज में काम किया। और आपका क्या बैकग्राउंड है? मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ। आप कपल हैं? Yes. इसकी भी एक स्टोरी है, आप ही से कनेक्टेड है। shaadi.com पे मिले? Yes. Oh, really? मेरे को एक्चुअली पता है हाइड्रोफोनिक क्या होता है, बाकियों के लिए थोड़ा समझा दो होता क्या है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हाइड्रो मतलब पानी हो गया। वाओ, यू आर पुटिंग समथिंग टू वर्क। अगर जब हम लोग पानी को इस्तेमाल करते हैं सॉइल के जगह पे, इसको हाइड्रोपोनिक कहा जाता है। मतलब हम लोग पानी पे ही खेती करते हैं। तो इससे हम लोग को दो फायदे मिलते हैं। पहला फायदा मिलता है कि अब हमारी सॉइल डिपेंडेंसी खत्म हो गई। अब दूसरा एडवांटेज क्या मिल गया, जमीन में रिसोर्सेस बहुत ज्यादा लगते हैं। अगर हम लोग फर्टिलाइजर डालते हैं तो सिर्फ 1% प्लांट तक जाता है, 99% तो बिखर जाता है। हाइड्रोपोनिक में हम लोग अभी उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कम से कम रिसोर्सेस में हम बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाइड्रोपोनिक में ले पाते हैं। और हेल्दी रहता है इसका जो क्वालिटी, न्यूट्रिएंट्स उतने ही रहते हैं, पेस्टिसाइड हर्बिसाइड का इस्तेमाल नहीं होता है इसके अंदर। इट हैज ऑल द न्यूट्रिशंस वैल्यू, और इसमें कोई भी हेवी मेटल नहीं होता है, नेमाटोड्स नहीं होते हैं। मुझे अपना बिजनेस समझाइए, अब आप क्या करते हैं? एग्जांपल लेते हैं मिस्टर चौधरी जी करके। मिस्टर चौधरी जी बैंगलोर में रहते हैं, उनके लखनऊ में जमीन है। अब उनको कुछ तो फार्मिंग करनी है वहाँ पे, क्योंकि जमीन आइडल पड़ी हुई। देन दे स्टार्ट सर्चिंग फॉर क्राइजन बायोटेक, या हमारे बारे में रिसर्च करना चालू करते हैं। तो वो हमारे पास आते हैं, वहाँ पे फिर उसके बाद हम लोग उनका साइट इंस्पेक्शन करते हैं। साइट इंस्पेक्शन करने के बाद वी गिव देम अ रिपोर्ट कि आपको क्या उगाना चाहिए, कितना उगाना चाहिए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा ROI या प्रॉफिटेबिलिटी मिल सकती है। नाउ इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे इफ यू वांट टू गो अहेड एंड कंस्ट्रक्ट अ फार्म, हम उनको पूरा फार्म सेटअप करके देते हैं। फार्म सेटअप करने के बाद उसको मैनेज करने के लिए लगने वाला सॉफ्टवेयर, ये भी हमारे तरफ से दिया जाता है। लगने वाला ऑटोमेशन जो हाइड्रो बिल्ड है, ये भी हमारे तरफ से दिया जाता है। एग्रोनॉमी सपोर्ट भी हमारे तरफ से दिया जाता है। वो क्या होता है? एग्रोनॉमिस्ट वो लोग होते हैं जो एक्सपर्ट पीपल हु कैन हेल्प यू इनटू ग्रोइंग। ठीक है। और इसके अलावा हम उनको बायर से भी कनेक्ट करते हैं मल्टीपल सिटीज के, जिनको कॉन्टेक्ट करके वो सीधा अपना माल बेच भी सकते हैं। डेमो दिखा दो। सबसे पहले कोई भी कस्टमर हमारे वेबसाइट पे आता है, उसके पास दो ऑप्शन है। अगर वो हाइड्रोफोनिक के बारे में जानना चाहता है तो हमारे पास कोर्स है हाइड्रोफोनिक मास्टर क्लास, वो कोर्स करके पूरी चीज समझ सकता है। इसके बाद हम उस कस्टमर के लिए एक साइट इंस्पेक्शन प्लान करते हैं। साइट इंस्पेक्शन में हम लोग उनसे पूरी डिटेल्स लेते हैं वहाँ पे साइट पे जाके, जैसे कौन सी जमीन है वहाँ पे, पेड़ पत्थर या फिर पॉन्ड या फिर ऐसी कोई चीज तो नहीं है। आप अपनी टीम भेजते हैं वहाँ सर्वे? हमारी टीम में से लोग जाते हैं। ये फ्री में हो रहा है सर्वे? नहीं, इसके लिए हम लोग उनको एक रिफंडेबल अमाउंट चार्ज करते हैं, विच इज 50,000। अगर आप ऑर्डर नहीं देते हो तो जो भी खर्चा हो वो हटा के हम लोग आपको रिफंड कर देते हैं। गुड वे। ये डेटा लेने के बाद हम उनको देते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होता है वो पूरा एक एग्जीक्यूटिव समरी भी होता है, उसी के साथ पूरा प्रपोजल भी होता है कि व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट। नाउ जब फार्म सेटअप कंप्लीट हो जाता है, हैंड ओवर कंप्लीट हो जाता है, देन कम्स द प्राइस वॉचर। तो प्राइस वॉचर की मदद से नाउ दे कैन डिसाइड कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग स्विस चार्ट लेते हैं तो स्विस चार्ट आने वाले समय में शायद गिर सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। एक हो गया ब्रोकली, ब्रोकली बढ़ सकता है। नाउ बेस्ड ऑन दिस दे कैन टेक द डिसीजन कि उनको ब्रोकली लगाना है। अब इनके पास दो ऐप है, एक ऐप है इनका खुद का और एक ऐप है इनके लेबर का, जो ये मोबाइल ऐप लेबर के पास होता है। हम व्यू करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि पानी का पीएच क्या है, TDS क्या है, ये रीडिंग इस हाइड्रोबिल से ली जाती है। अब इसमें हम लोग चूज कर सकते हैं कि मैं वेजिटेटिव क्रॉप ग्रो करना चाहता हूँ कि मैं फ्रूटिंग क्रॉप ग्रो करना चाहता हूँ, बेस्ड ऑन ये पूरा फर्टिगेशन प्लान डिजाइन करता है उसका। उसके बाद हम लोग कल्टिवेशन फेजेस भी डिसाइड कर सकते हैं कि मुझको सीडलिंग फेज में रखना है, वेजिटेटिव में रखना है। इससे हम लोग को और डेटा मिलता है और इसके साथ ये पूरा काम करता है। या आपकी खुद की बनाई हुई डिवाइस? हाँ। मस्त है, आपने शॉपिफाई बना दिया हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का। तो आप उनसे एक वन टाइम फी चार्ज करते हैं टू सेट इट ऑल अप, उसके बाद मैनेजमेंट उनको ही करना है? मैनेजमेंट उनको ही करना है। ये हॉबी के लिए और खुद के खाने के लिए करते हैं कि टिपिकली फार्मर्स जो बना के बेचते हैं वो खरीद? ये कमर्शियल स्केल पे होता है बहुत ज्यादा, धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा। तो अगर मेरे पास कोई लैंड है, अगर मैं आपका सिस्टम लगाता हूँ तो मेरे को अच्छा रिटर्न मिलेगा उससे? 7 times more yield। तो एक एग्जांपल दीजिए, आप कितना पैसा बना सकता हूँ मैं? मुझे अगर 5000 स्क्वायर फीट की जमीन है मेरे पास मेरे गांव में, मैंने वहाँ पे ये फार्म सेटअप कर लिया, ये कॉस्टिंग स्टार्ट होती है 15 लाख से आसपास। उसके बाद मेरा जो यील्ड है ये लगभग 5 to 6 times बढ़ जाता है, एंड फ्रॉम दैट लैंड पार्सल मंथली आई कैन मेक अराउंड 1 lakh rupees to 125। वाओ।
ये कहीं भी हो सकता है, कोई भी शहर, ये कहीं पर भी हो सकता है। ये जो आपकी सब्जियां हैं और नॉर्मल सब्जियां सेम होती है? सेम होती है। न्यूट्रिएंट वैल्यू वगैरह सेम होती है? ये बढ़िया होंगे, ये उससे बढ़िया होंगे। बढ़िया क्यों होंगे? क्योंकि टारगेटेड न्यूट्रिएंट दे रहे हैं। इसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया गया, हैवी मेटल्स नहीं है इसके अंदर कोई भी प्रकार के। अभी भी अगर आप ओपन करके देखते हो ज़ेप्टो, ब्लिंकिट कहीं पे भी, ये प्रीमियम पे बिकती है। कितना प्रीमियम? लगभग 30% to 40%। क्यों प्रीमियम? अगर 5-6 टाइम्स यील्ड हो गया तो व्हाई प्रीमियम? क्योंकि उसकी डिमांड उतनी ज्यादा है और सप्लाईज कम। हम लोग ट्रैक कर रहे हैं बहुत महीनों से, ज़ेप्टो ब्लिंकिट बाई आफ्टरनून 11 o'clock सोल्ड आउट हो जाता है। तो आप अवेयरनेस बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? हम कोर्स रन करते हैं हेडफोन कोर्सेस। कितने 10,000 लोगों को जा रहा है, वो कैसे होगा? हम मीटअप्स रन करते हैं, हम लोग फार्मर्स को एजुकेट करते हैं, हमारे फार्म पे फ्री फार्म विजिट्स होती है। बट आर यू श्योर कि अवेयरनेस इज द ओनली रीजन? आई थिंक देयर मस्ट बी अदर चैलेंजेस। बट ये एकदम ऐसे वाइल्ड फायर जैसे स्प्रेड नहीं हुआ इंडिया में, व्हाट इज द रियल रीजन? प्राइसिंग एक बहुत बड़ा रीजन है। जैसे कोई भी फार्मर है, अगर उसे कोई बोलता है कि 5000 स्क्वायर फुट का फार्म सेटअप करने के लिए आपको 1 crore रुपए का खर्चा आएगा, सबसे पहले वो कैलकुलेशन करेगा कि इसको रिकवर करने में मेरे को 15 साल लगने वाले हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी सस्ती हो रही है वैसे वैसे अडॉप्शन बढ़ रहा है। तो अवेयरनेस इज नॉट द रीजन, हाई कॉस्ट इज द रीजन। हाई कॉस्ट इज द रीजन। आप अब अपनी सेल बताइए। हमारा 2021 में 65,000 था, 2022 में 15 लाख था, 2023 में 1 crore 25 lakhs। ओके, इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा प्रोजेक्टेड है 5 crore, अभी तक हमारा 2.25 हो चुका है। और ये 2.25 जो अभी तक हुआ है उसका ब्रेकअप बताइए। 5% कोर्स से, बाकी सारा सेटअप से। और कितने सेटअप करे आपने ये कमाने के लिए? कंसल्टिंग सेटअप पकड़ के 40 है, हम लोग के खुद के बनाए हुए 12 सेटअप। खाली 12 सेटअप? और 12 सेटअप से कितने पैसे बने? 2.5 crore और 1.5 crore पहले जो बने थे वो। और 5 crore ये साल बना लोगे? Yes, बना लेंगे। कितना प्रॉफिट निकालोगे? That will be 5%। तो मतलब 25 lakh रुपया बचेगा अगर। इसमें आपकी सैलरी इंक्लूडेड है? ऑलरेडी सैलरी हम लेते हैं। सब हटा। कितना सैलरी लेते हैं? मैं अभी 2 lakh रुपए ले रहा हूँ। या 1 lakh। कोई एग्जांपल दीजिए आपके प्रोजेक्ट का जो आप कर रहे हैं। जनरली हम लोग देखते हैं कि द पीपल हु स्टे इन सिटी, लेकिन उनकी फार्मलैंड है जो छोड़ के आ गए हैं, आइडल पड़ी हुई है, वहाँ पे कुछ इनकम लेना है, किसी को डिप्लॉय करके वहाँ से वो इनकम ले सकते हैं। दिस इज आइडियल कस्टमर बेस जो हम देखते हैं कि इससे ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन हमारे होते हैं। ऑनेस्टली इस एरिया में मेरी बिल्कुल एक्सपर्टीज नहीं है, तो मैं जाऊंगी, ये समझूंगी, रिसर्च करूंगी, बिकॉज आई एम फैसिनेटेड बाई दिस, अंडरस्टैंड करूंगी, और जब मेरी इसमें थोड़ी सी एक्सपर्टीज आ जाएगी, मुझे समझ में आएगा, देन मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहूंगी। सो टुडे आई एम आउट। अभी आपकी टीम में कौन कौन है? अभी हम लोग की टीम में टोटल 11 लोग हैं, बाकी हम लोग के पास कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। एंड को-फाउंडर्स? हम लोग 2 founders हैं। जब हमने स्टार्ट किया था आई हैड 1 more फाउंडर, अभी तो वो काम नहीं करते फुल टाइम हम लोग के साथ। ही हेल्प अस इन टू बिल्डिंग द अर्ली टेक। और उनके पास अच्छी इक्विटी है? आई होल्ड 58%, विश्व प्रताप सिंह होल्ड 42%। वो डाइल्यूशन के लिए रेडी है, वो इशू मेन टेक को-फाउंडर है ही नहीं कंपनी में, वो छोड़ के चले गए। वो बाहर सेटल हो गए हैं यूरोप में। ही इज मेकिंग 2 good सैलरी देयर। क्या सैलरी है आपके को-फाउंडर की यूरोप में? ही इज मेकिंग अराउंड 12 टू 13 लाख रुपीस अ मंथ। अगर वो सैलरी उनको मिलेगी तो ही वो आएंगे? वो आ जाएंगे, वो दिक्कत नहीं। तो टेक कौन बना रहा है? टेक अभी तो मैं और विक्रांत, हम दोनों ही बना। बिना टीम के आप टेक कितना बना लोगे? ना आप प्रोजेक्ट भी कर रहे हो। इसीलिए सर फंडिंग लेके हमको सबसे पहले तो अच्छा CTO लेके आना है, टीम बिल्डिंग पे हमको फोकस करना है अगले कुछ टाइम के लिए। पर अभी तक क्यों नहीं किया आपने? गेटिंग अ गुड टेक पर्सन इज अ लिटिल कॉस्टली अफेयर। You know, I'm somewhat misaligned, and I'll tell you why. आपका business is interesting. सच में अगर yield इतनी बढ़ती है और farmers के लिए अच्छा है, और आप कह रहे हो कि human beings के लिए भी ज़्यादा healthy है, तो बहुत अच्छा काम है। लेकिन because आपका services business है, project based business है, मेरे लिए ये predictability लाना, इसमें invest करना, ये समझना कि क्या return आएगा, जबकि model scale का आपका clear नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। So I'm out for that reason. एक बात जरूर कहूंगा, हैप्पी टू गिव यू बिजनेस। मेरे पास काफी जमीन है एज एन एक्सपेरिमेंट। जरूर, चलो क्लाइंट तो मिल गया। क्लाइंट तो मिल गया। एज एन एक्सपेरिमेंट एक फार्म शुरू करते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यस यस डेफिनेटली। जैसे वो कहते हैं ना, आइडिया हुज टाइम हैज नॉट येट कम, तो ये वो है, अभी उसका टाइम आया नहीं है। मे बी आ जाएगा 4-5 साल बाद। दिस माइट बिकम वन ऑफ द बिग थिंग्स। आज नहीं है, आज अभी कम है। मुझे तो पता था हाइड्रोपोनिक के बारे में, इनको आज ही समझ आया। तो अभी इसकी मार्केट थोड़ी एजुकेशन कम है। तो अच्छा, आप लोगों ने शार्क टैंक के मीडियम से सबको बता दिया। अनफॉर्चुनेटली आई एम, देखिए सॉफ्टवेयर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल लाइक जैसे लग रहा है कि अगर किसी को हाइड्रोपोनिक करना है तो वेरी सिंपल IoT प्लस सॉफ्टवेयर, इनक्रेडिबल वर्क दैट यू पुटिंग इन। चैलेंज ये हो रहा है कि अंदाजा लगाना कि ये कैटेगरी क्रिएट होगी कि नहीं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बिकॉज जो अभी आपके कस्टमर्स हैं वो सब थोड़े शौकीन लोग हैं, जो 20, 30, 40, 50 लाख इन्वेस्ट करके
ये बेट ले सकते हैं। इसको मेन स्ट्रीम रिप्लेसिंग प्रोड्यूस करने में शायद 20-30 साल लग जाएंगे, तो एज ऑफ नाउ ये इन्वेस्टेबल नहीं है बट वेरी प्रॉफिटेबल, सो कंग्रेचुलेशंस ऑन व्हाट यू बिल्ट। आई एम आउट। थैंक यू। See, I think this is a category creation business. Abhi, I know isme kaam nahi hua hai. Aapka passion bahut hi acha hai. I feel there is a genuinity in what you're trying to do. Mujhe lagta hai kahin na kahin strategy better kari ja sakti hai business ki. Yes. And I like the fact ki aap khud ek engineer hai. Aap bhi technology hai, aapka co-founder bhi hai. To milke achhi tech banai ja sakti hai. Right? Mere ko lagta hai ki there is a possibility in this business where you give a full service model. So there is a long term bet. मैं आपको ऑफर देता हूँ 75 लाख जो आपने मांगा फॉर 15% इक्विटी, साथ में आई विल टेक 2% ऑफ योर सेल्स टिल आई गेट 2 टाइम माय मनी बैक। आई एम होपिंग दैट योर को-फाउंडर विल कम एंड जॉइन बैक, यू विल फिगर आउट अ वे फॉर हिम टू गेट स्टार्ट मेकिंग मनी। ये मेरा ऑफर है आपके लिए। छोटा सा सर हम लोग कर सकते हैं चेंज, 75 लाख अगर 10% के लिए करें और हम लोग वी आर ओके विद द रॉयल्टी। नहीं यार देखो मैं वो क्या कह रहा हूँ कि दिस इज वेरी अर्ली स्टेज इन योर बिजनेस सर, आपको पैसा कमा के देंगे। दिस इज नॉट अ टिपिकल इन्वेस्टमेंट मॉडल जहाँ पे 3 साल में इन्वेस्टर आ जाएगा, दिस इज अ 10-year जर्नी। मैंने बहुत सोच समझ के आपको ऑफर दिया विच मेक सेंस, बिकॉज 15% इक्विटी समथिंग विच कैन गेट डाइल्यूटेड, यू कैन स्टिल गेट एन इन्वेस्टर, अभी आएगा नहीं इन्वेस्टर, यू हैव टू लिटरली सी मी एज अ थर्ड पार्टनर। घेऊन टाका। हम डील को ऐसे करेंगे कि हम आपके साथ डील पक्की करेंगे हम सर, और आप आपका फॉर्म हमें देंगे और आप हमें बताएंगे कि हमें कब ऑफिस आके मिलना है। ओके। ऑल राइट। यस, इट्स अ डील। वाओ। ओके। इनसेन डील। इनसेन। क्लाइंट लाएंगे। क्लाइंट लाएंगे अनुपम क्या बहुत जमीन है ना। कस्टमर तो पक्के बन जाएंगे। बाय बाय बाय। थैंक यू। वेरी हैप्पी फॉर यू।